215 जून 2001 में आई फिल्म एक गदर एक प्रेम कथा तो आप सभी ने देखी होगी, जो कि पाकिस्तान और भारत से रिलेटेड एक फिल्म थी। तो वहीं पर फिल्म में सकीना का किरदार निभा रही अभिनेत्री अमीषा पटेल हमें देखने को मिली थी, जिन्होंने अपने किरदार को खूबी पर्दे पर उतारा था। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सकीना के किरदार अमीषा पटेल से पहले बॉलीवुड की एक अभिनेत्री को ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने के लिए इनकार कर दिया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कौन सी है वो अभिनेत्रियाँ, तो वीडियो अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। गदर एक प्रेम कथा तो मूवीज आप सभी ने देखी होगी। तो वही हाल ही में आप सभी को सुनने में आ रहा होगा कि 2023 में हमें 26 जनवरी को गदर 2 भी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें सकीना के किरदार में अमीषा पटेल नजर आई थी, जो एक बेबी डॉल की तरह लग रही थी, और इन्होंने इस फिल्म में काफी बखूबी अपने रोल को प्ले किया था और दर्शकों की फेवरेट बन गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि इनको इस रोल को ऑफर करने से पहले मेकर्स ने सबसे पहले ऑफर काजोल को दिया था। जी हाँ, काजोल देवगन उस टाइम पर बहुत ज्यादा चर्चे में थी और ये खूब ज्यादा फेमस अभिनेत्री थी, इसीलिए मेकर्स चाहते थे कि इस फिल्म में सकीना का किरदार काजोल निभाए। जब ये इस स्क्रिप्ट को लेकर काजोल के पास पहुंचे तो उन्हें काजोल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि ये इस फिल्म में सकीना का किरदार नहीं निभाना चाहती है, क्योंकि इनके पास बहुत सारा काम है और ये अपने काम को छोड़कर किसी और काम में ज्यादा व्यस्त नहीं हो सकती है। जिसके चलते मेकर्स ने काजोल को ये ऑफर ठुकराने के बाद अमीषा के पास गए और अमीषा ने इस फिल्म में काम किया और एक सुपरहिट अभिनेत्री होकर उभरी, जिसके बाद काजोल को थोड़ा पछतावा तो हुआ, लेकिन काजोल ने मन मार कर कहा कि मुझे इस फिल्म में काम ही नहीं करना था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि काजोल देवगन को सकीना के किरदार को निभाना चाहिए था या फिर नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ऐसी रोजाना वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।